हेलो एवरीवन यह है लर्न कोरजावा वीडियो सीरीज़ यह वीडियो सीरीज उनके लिए है जो कोर कोरजावा सीखना चाहते हैं यह इस वीडियो सीरीज का वीडियो नंबर सेवेंटी फाइव है इस वीडियो में हम थ्रेड कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे सो लेट अस गेट स्टार्टेड नाउ वेरी फर्स्ट विल डिस्कस वॉट इज थ्रेड कम्युनिकेशन सो इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन इज अ मैकेनिज्म एंड विच अ थ्रेड गोज टू वेट कंडीशन एंड रिलीज इज द लॉक सो दैट द अनादर थ्रेड इज अलाउड टू एग्जीक्यूट यूजिंग द सेम लॉक जो इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन है वह एक ऐसा मेकेजम है जिसमें एक थ्रेड वेट कंडीशन में चला जाता है और जो लॉक उसने एक्वायर किया हुआ है उस लॉक को भी रिलीज कर देता है ताकि जो कोई दूसरा थ्रेड है वह उसी लॉक को यूज करके अपना एग्जीक्यूशन कर सके ऑब्जेक्ट क्लास मेथड्स दो थ्रेड के बीच में यदि हमें कम्युनिकेशन करवाना है तो उसके लिए जो ऑब्जेक्ट क्लास है सुपर क्लास ऑफ ऑल क्लासेस उसने कुछ मेथड्स हमें प्रोवाइड की है उन मेथड्स को यूज करके हम इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन अचीव कर सकते हैं उनमें से सबसे पहली मेथड है वेट मेथड एंड इट टेल्स कॉलिंग थ्रेड टू गिव अप लॉक एंड गो टू वेट अंटिल द अदर थ्रेड एंटर्स द सेम मॉनिटर लॉक एंड कॉल्स नोटिफाई जो वेट मेथड है वह मेट मेथड क्या करता है कि एक थ्रेड को वेट कंडीशन में डाल देता है और उसने जो लॉक एक्वायर किया है उस लॉक को रिलीज करवा देता है और यह थ्रेड वेट कंडीशन में तब तक रहता है जब तक कि कोई दूसरा थ्रेड उसी लॉक उसी मॉनिटर या कह सकते हैं उसी ऑब्जेक्ट को यूज करके आ, नोटिफाई मेथड कॉल नहीं करता है ओके सो so, यहाँ पे यूं कह सकते हैं कि वेट मेथड एक थ्रेड को तब तक वेट कंडीशन में डाले रखता है जब तक कि कोई दूसरा थ्रेड उसी ऑब्जेक्ट पे इसको नोटिफाई न कर दे बाई कॉलिंग द नोटिफाई मेथड ओके okay, और वेट वेट कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना कि जब भी वेट मेथड कॉल करके थ्रेड वेट कंडीशन में जाएगा तो वो लॉक को रिलीज कर देगा ओके द नेक्स्ट मेथड इज नोटिफाई मेथड इट वेक्स अप अ सिंगल थ्रेड कॉल्ड वेट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट अब यदि कोई थ्रेड किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे वेट कंडीशन में है तो नोटिफाई मेथड क्या करेगा उस थ्रेड को नोटिफाई करेगा ओके okay? and uh, notify all method it wakes up all the threads called wait on the same object यदि बहुत से thread जो है वह किसी particular object पे wait condition में गए हुए हैं तो जब उसी object को use करके हम notify all method call करेंगे तो सभी object जो उसी sorry सभी thread जो उसी object पे wait condition में गए हुए हैं वो notify हो जाएंगे ताकि वो execute हो सके so this is what about the theoretical part of our थ्रेड कम्युनिकेशन अब इन्हीं चीजों को हम प्रैक्टिकली डिस्कस करें सो करेंट वी कैन अंडरस्टैंड इन द बेटर वे फाइन सो यहाँ पे एक ऑलरेडी प्रोग्राम ने क्रिएट किया हुआ है uh, इसी प्रोग्राम को हम डिस्कस uh, करेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द थ्रेड कम्युनिकेशन अब जैसा कि हम डिस्कस uh, कर चुके हैं थ्रेड कम्युनिकेशन मतलब दो थ्रेड के बीच में कम्युनिकेशन सो यहाँ पे जरा ध्यान से देखें इस जावा फाइल में हमने एक एडर थ्रेड बनाया हुआ है वह एडर थ्रेड जो है क्या कर रहा है कि एडर थ्रेड के अंदर एक सम नाम से वेरिएबल है लॉन्ग टाइप का और रन मेथड के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है वन से लेके टेन थाउजेंड तक के नंबर्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं और फॉर लूप के अंदर हमने इन वन से लेके टेन तक के नंबर जो जनरेट हो रहे हैं उनका सम करवाने के लिए कोड लिखा हुआ है लॉजिक लिखा हुआ है तो एक तरीके से कह सकते हैं कि यह जो फॉर लूप है वह वन से लेकर टेन थाउजेंड तक के सभी नंबर्स का सम करेगा जो कि सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे और कोड हमने रन मेथड में लिखा हुआ है तो यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ये एडर थ्रेड हमने क्रिएट किया हुआ है उसका काम है कि वन से लेकर टेन थाउजेंड तक के नंबर्स का सम करना और उनको इस सम वेरिएबल में स्टोर करना अब यहाँ पे एक और थ्रेड हमने क्रिएट किया हुआ है, thread, okay? इस रीडर थ्रेड में हमने एक इंस्टेंस वेरिएबल एडर टाइप का भी क्रिएट किया हुआ है जो कि इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ पे ध्यान से देखिए रन मेथड में मैंने क्या लिखा हुआ है रन मेथड के अंदर यह जो दूसरा स्टेटमेंट है वो हमने लिखा हुआ है कि सम इक्वल एडी डॉट सम यानी यह जो एडर थ्रेड है उसके सम वेरिएबल को हमने यहाँ पे कॉल किया सो so दैट उसकी वैल्यू को आ, प्रिंट कर सके आ, दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि रीडर थ्रेड का काम है कि एडर थ्रेड ने जो भी टोटल किया है जो भी सम किया है उस सम को यहाँ पे शो करवाना तो अब हमारे प्रोग्राम में दो थ्रेड है एक है एडर थ्रेड जो क्या कर रहा है वन से लेकर टेन थाउजेंड तक के नंबर्स को सम कर रहा है उनका टोटल कर रहा है और एक है रीडर थ्रेड जो एडर थ्रेड ने टोटल किया है सम किया है उस वैल्यू को प्रिंट करवाने का काम कर रहा है अब इस प्रोग्राम को जब हम चलाएंगे तो देखेंगे थ्रेडिंग का बिहेवियर कैसे क्या रहेगा तो उसके लिए यहाँ पे देखें थ्रेड कम्युनिकेशन डेमो नाम से हमने एक और क्लास क्रिएट किया जो कि मेन क्लास है जिसमें हमने मेन मेथड को डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे सबसे पहले हमने एडर का ऑब्जेक्ट बनाया फिर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह जो एडर का ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ है उसको हमने रीडर के कंस्ट्रक्टर को पास कर दिया है ओके okay? ताकि यहाँ पे हम आगे जो कम्युनिकेशन करवाए सेम ऑब्जेक्ट पे होना चाहिए सो रीडर को हमने एडर का ऑब्जेक्ट भी पास किया हुआ है ताकि वो एडर ने जो सम किया उसकी वैल्यू को भी रीड किया जा सके ओके okay? एक और चीज नाउ दो थ्रेड हमने क्रिएट किए पहला थ्रेड जो कि एडर का, का काम करेगा और दूसरा थ्रेड जो रीडर रीडिंग का, का काम करेगा मतलब वैल्यू को शो करवाने का, का काम करेगा एक तरीके से ओके okay? देन

बट यहाँ पे एक चीज मैं फिर से रिपीट कर दू इसके पहले के भी थ्रेडिंग के प्रोग्राम में मैं बता चुका हूं वैसे तो हमने टी एच वन थ्रेड पे पहले स्टार्ट मेथड कॉल किया यानी उसको पहले रनेबल स्टेट में भिजवाया और टीएच टू को हमने बाद में रनेबल स्टेट में भिजवाया है बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि टीएच वन पहले यदि रनेबल स्टेट में जा रहा है तो ये पहले एग्जीक्यूट होगा और टीएच टू बाद में रनेबल स्टेट में जा रहा है तो ये बाद में रनिंग स्टेट में आएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है कोई भी थ्रेड Uh, पहले रनिंग स्टेट में जा सकता है बट जनरली ऐसा होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट हैपेंस कि जो थ्रेड पहले runnable में जाएगा तो उसको पहले सीपीयू मिलेगा और पहले अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा ओके सो ठीक है ये तो एक जनरल डिस्कशन अपना पे हुआ अब हमारे प्रोग्राम का हम बिहेवियर देखें देखें कि यहाँ पे सम कैसे क्या रहा है तो जब हम रन करेंगे तो एक थ्रेड जो है वह सम का काम करेगा दूसरे रीड करने का काम सो लेटेस्ट चेक द आउटपुट नाउ रन द प्रोग्राम

सम करने का काम या टोटल करने का काम कंप्लीट नहीं किया था उसके बीच में ही एडर को पॉज करके रीडर को एग्जीक्यूट होने का मौका दे दिया और इसीलिए टोटल नहीं आया है ना इवन व्हेन वी रन इट वन मोर टाइम हो सकता है कुछ और आउटपुट मिलेगा सो लेटेस्ट रन इट रन फाइल हियर इवन यहाँ पे एडर पहले स्टार्ट हुआ रीडर स्टार्टेड आ गया और सम में देखो जीरो ही यानी एडर स्टार्ट जरूर हुआ फिर उसके स्टार्ट होते से हो सकता है उसको पॉज कर दी है और रीडर को अपॉर्चुनिटी दे दी एडर ने बिल्कुल भी सम नहीं किया हुआ है तो सम जो है वो जीरो ही है और रीडर ने उसको जीरो था, तभी रीड कर लिया और एडर ने सम उसके बाद में किया हुआ है ओके सो वी आर गेटिंग द अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रीजन बींग यहाँ पे एडर और रीडर थ्रेड के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है ऐसा नहीं हो रहा है कि एडर पहले टोटल करे और फिर वो रीडर को कहे कि अब आप रीड करो है ना कभी भी कोई भी थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है तो हमें जो सम है वो प्रॉपरली नहीं मिल रहा है एक बार और रन करके देखें है ना यहाँ फिर से देखो एडर स्टार्टेड नो डाउट फिर रीडर स्टार्टेड बट इन बिटवीन ही उसने रीड कर लिया एड का, का काम कंप्लीट नहीं होने दिया तो जो टोटल है हमें कुछ और ही मिल रहा है ओके वी आर नॉट गेटिंग एक्यूरेट टोटल सो वट वुड वी डू नाउ अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि यहाँ जो ये एडर थ्रेड है और जो रीडर थ्रेड है तो जो रीडर थ्रेड है वो तब तक सम की वैल्यू को रीड ना करे जब तक कि वो टोटल ना कर ले मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रीडर थ्रेड एडर के कंप्लीट होने का वेट करे हालांकि हमारे कोड में एडर जो है सिर्फ टोटल कर रहा है कोई दूसरा काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे ये यह हो सकता है कि आपके दिमाग में ये आ जाए कि यहाँ पे रीडर थ्रेड जो है एडर थ्रेड के कंप्लीट होने का वेट करे नो नॉट एट ऑल हो सकता है इसके बाद में भी कोई कोड रहता एडर थ्रेड उसके बाद में भी कोई काम करता सो थिंग इज वॉट हम चाहते हैं कि रीडर थ्रेड तब तक वेट करे जब तक कि एडर ये सम का काम न कर ले कोई दूसरा काम करना है तो वो करते रहे बट सम करने के बाद ही रीडर थ्रेड ने इसकी वैल्यू को रीड करना चाहिए तो यदि उसके पहले रीडर थ्रेड को सीपीयू मिल गया तो वो वेट कंडीशन में चला जाना चाहिए और तब तक वेट करना चाहिए जब तक कि एडर ये सम कंप्लीट न कर ले फाइन और इसके लिए हम जैसा जानते हैं कि हमें वेट और नोटिफाई मेथड का यूज करना पड़ेगा

और यहां पे इसको इनिशियलाइज कर दिया फॉल्स वैल्यू से ओके एंड देन यहां लूप में सम करने का कोड हमने लिखा हुआ है तो फ़ॉर लूप के जस्ट बाद में मैंने लिख दिया फ्लेग इक्वल टू एंड जस्ट लुक लॉजिक यहाँ पे क्लियर हो गया है क्या कि यदि जो फ्लेग वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो फॉल्स है इसका मतलब टोटल अभी एडर थ्रेड ने नहीं किया है और जैसे ही फ्लेग की वैल्यू ट्रू हो जाएगी देखो हमने फ्लेग की वैल्यू को ट्रू कब किया हुआ है, है फॉर लूप के बाद में यानी टोटल होने के बाद में तो जैसे ही फ्लेग की वैल्यू ट्रू हो जाती है तो जो एडर थ्रेड है उसने सम कर चुका है तो ये लॉजिक हमने लगा लिया कि अभी एडर थ्रेड ने सम किया है या नहीं टोटल किया है या नहीं वो इस फ्लेग की वैल्यू से पता लग सकता है अब रीडर थ्रेड में हम जानते हैं कि रीडर थ्रेड ने यदि रीडर थ्रेड को पहले अपॉर्चुनिटी मिल गई उसको सीपी मिल गया तो उसने चेक करना चाहिए कि यदि सम हो गया है, यानी फ्लेग की वैल्यू ट्रू हो गई है तो ही वो रीड करे बट यदि यद्लेग की वैल्यू फॉल्स है यानी सम नहीं हुआ है तो फिर वो वेट कंडीशन में चला जाए तो फिर उसके लिए भी यहाँ पे हम कोड uh, uh, लिख दें सो जस्ट कम टू द रन मेथड यहाँ पे रन मेथड में हमने रीडर स्टार्टेड पहले लिखा हुआ इसी के जस्ट बाद में मैं लिख रहा हूं इफ एडी डॉट फ्लैग जस्ट लुक व्हाट इज रिटर्न यहाँ पे मैंने एडी डॉट फ्लैग मतलब एडर के फ्लैग की वैल्यू को रीड किया अब यदि ये फॉल्स है तो मैंने उसको फिर नेगेशन लगा के ट्रू कर दिया तो यदि ये फॉल्स है तो मैं यहाँ पे `ad थ्रेड को वेट कंडीशन में भेजवा दूंगा अब यहां पे ध्यान रखना कि जो वेट मेथड है वह एक चेकड एक्सेप्शन इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करता है तो उसको हमें हैंडल करना पड़ेगा बाय प्रोवाइडिंग ट्राई केच तो इसको ट्राई केच दे दे हम यहाँ पे सो so, ये हमने ट्राई केच प्रोवाइड कर दिया इसको ओके नाउ ट्राई केच देने के बाद में एक काम और हमें करना है यहां ध्यान रखना कि जब भी हम वेट मेथड को कॉल करते हैं so weight method हमेशा synchronized, uh, block या synchronized method पे ही कॉल किया जाता है तो एडी यहां तो uh, में लिखना पड़ेगा अदरवाइज हमें इलिगल मॉनिटर स्टेट जो एक्सेप्शन है वो uh, मिलेगा रन टाइम पे सो डू इट नाउ यहाँ पे आप सिंक्रोनाइज ब्लॉक लगा दें सो सिंक्रोनाइज्ड एडी और ये जो स्टेटमेंट है ये जानी चाहिए के अंदर. लगा दिया है एडी पे सिंक्रोनाइज किया तब हमने ए डी पे वेट uh, मेथड को कॉल किया है और यहाँ पे आउटपुट को चेक करने के लिए एक चीज और हम लगा देते हैं सिंस यहाँ पे वेट कंडीशन में जा रहा है तो एस आउट में एक स्टेटमेंट में दे रहा हूँ uh, रीडर थे okay? so जब आ, हम आउटपुट डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अभी ये आ, वेटिंग कंडीशन में जा चुका है फाइन नाउ अब ये वेट में तो चला जाएगा तो रीडर थ्रेड जो है वो वेट में जाएगा किस ऑब्जेक्ट पे एडर के ऑब्जेक्ट पे सो so, अब एडर थ्रेड ने इसको नोटिफाई uh, करना चाहिए तो एडर थ्रेड ने इसको नोटिफाई करना चाहिए यानी एडर की जो रन मेथड है इसमें हम नोटिफाई का मेथड कॉल करेंगे सो so, यहाँ पे नोटिफाई मेथड कॉल कर लें तो उसके लिए मैं लिख भी रहा हूँ uh, एक स्टेटमेंट भी दे देंगे और नोटिफाई मेथड भी कॉल कर लें तो यहाँ पे नोटिफाई मेथड कॉल करें नोटिफाई ध्यान रखना नोटिफाई को मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ क्यों क्योंकि रन मेथड जो है एडर की मेथड है यानी इसको एडर के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्जीक्यूट किया जा रहा है तो नोटिफाई कॉल क्या एडर के ऑब्जेक्ट पे कॉल हुआ है ओके नाउ हियर नोटिफाइड है ना तो यहाँ पे एक नोटिफाइड ऐसा मैंने मैसेज भी टाइप कर दिया फाइन नाउ जैसा कि मैंने वेट मेथड के बारे में बताया था कि वेट मेथड को आपको uh, ब्लॉक में ही लिखना चाहिए वैसे यहाँ पे भी रहता है कि नोटिफाई भी सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर ही होना चाहिए और नोटिफाई को हमने रन मेथड में कॉल किया है तो यदि हम चाहें तो यह जो रन मेथड है इसको कंप्लीटली भी हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं नो no प्रॉब्लम तो यहाँ पे मैंने सिंक्रोनाइज की यूज करके इसको सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक के अंदर कर दिया फाइन नाउ वी आर रेडी है ना अब हम तैयार हो गए हमने बराबर कोड लिख दिया है कि यदि जो फ्लेग की वैल्यू फॉल्स है तो यहाँ पे क्या होगा जो रीडर थ्रेड है यदि उसको सीपीयू पहले मिल गया तो वो वेट कंडीशन में चला जाएगा और इनकेस यदि फ्लेक की वैल्यू ट्रू है तो उस केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ये आ, जो सम की वैल्यू वो रीड कर लेगा नाउ लेटेस्ट रन इट इसको आपको थोड़ा मल्टीपल टाइम चला के देखना पड़ेगा सो so दैट आपको प्रॉपर आउटपुट मिले ओके एंड यू कैन टेस्ट इट प्रॉपरली सो रन द एप्लीकेशन नाउ ओके हुआ है पर यहाँ पे ऐसा हो गया है कि एडर ने सम ऑलरेडी कर दिया है तो उसकी वैल्यू को रीड कर दिया गया तो इसमें वेट कंडीशन में गया ही नहीं जैसा मैंने बोला कि हम यदि चाहते हैं कि रीडर जो है वेट कंडीशन में जाए आ, मतलब एडर ने सम कम्प्लीट नहीं किया है उसके पहले यदि इसने रीड करने की कोशिश की तो वो वेट कंडीशन में जाएगा तो उस कंडीशन में कैसा क्या बिहेव होगा वो हम देखेंगे तो दो तीन बार और इसको रन करके देखें हम

टिंग द सेम सो लेटस डू वन थिंग एस आई टोल यू की यहां पर जरूरी नहीं है कि जो टी एच वन पे हमने स्टार्ट मेथड कॉल किया तो इसी को पहले एग्जीक्यूशन मिलेगा हालांकि पॉसिबिलिटी है बट गारंटी नहीं है एक काम कर देते हैं पहले टीएच टू को स्टार्ट कर देते हैं मतलब रीडर को पहले स्टार्ट कर देते हैं ओके एंड नाउ रन इट ओके एक दो बार और रन करके देखें हालांकि देखो टी एच टू को हमने पहले रनेबल में भिजवा है बट देन ओनली एडर पहले स्टार्ट हुआ है ना इसलिए मैं कहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो थ्रेट पे अपने स्टार्ट पहले कॉल किया है वही पहले सीपीयू उसी को मिलेगा और उसका एग्जिबिशन स्टार्ट होगा फाइन ओके एक दो बार और रन करके देखें स्टिल वी आर गेटिंग द सेम आउटपुट सो लेटस डू वन थिंग इसको ऐसा करते हैं कि टी एस टू को जो हमने स्टार्ट किया ना इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्लीप करवा देते हैं so, three dot sleep, जो reader है उसको आ, को थोड़ी देर बाद में सीपी मिले सो लेटेस सी वन थाउजेंड से मिली सेकेंड के लिए इसको पॉज कर दिया हमने रन इट लिख दिया फाइन सो देखो रीडर स्टार्टेड नाउ रीडर इज वेटिंग टू बी नोटिफाइड सो रीडर जो है वो पहले स्टार्ट हो गया लेकिन टोटल नहीं हुआ तो वेटिंग में चला गया देन एडर स्टार्टेड फिर एडर स्टार्ट हुआ फिर उसने नोटिफाई किया उसके बाद में रीडर ने रिज्यूम होके सम किया ओके सो दिस इज हाउ द थ्रेड कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन है ना जो थ्रेड है वो एक दूसरे से यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो सिंपल सा मैकेनिज्म है कि यदि रीडर पहले स्टार्ट हो गया तो वो देखेगा कि यदि ये फ्लैग की वैल्यू फॉल्स ही है मतलब सम नहीं हुआ है तो वेट कंडीशन में चला जाएगा फिर एडर जो है अपना सम करेगा वो नोटिफाई करेगा जैसे ही नोटिफाई करेगा तो ये इसके आगे अपना एग्जीक्यूशन करेगा और सम की वैल्यू को रीड करके प्रिंट करवा देगा ओके सो दिस इज थ्रेड कम्युनिकेशन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो